Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. आज हम नायलॉन खमन ढोकला बनाएंगे और इसे हम आधे घंटे से भी कम टाइम में रेडी करेंगे। इसे बनाना बहुत ही क्विक और इजी है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट डिलीशियस बनते हैं। तो चले स्पॉन्जी खमन ढोकला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई में पानी डाल के ऊपर से स्टैंड सेट कर लेंगे और इसके बाद इस पर लीड कवर करके इसे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे हीट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये प्री हीट हो हमें आगे की तैयारी कर लेनी है। इसे सेट करने के लिए मैं 6x6 का ये मोल्ड यूज़ करूँगी। अगर आप चाहो तो कोई भी नॉर्मल वाली पतीली भी यूज़ कर सकते हो। मोल्ड को हमें ऑयल लगा के इस तरह से हर तरफ से इसे इवनली ग्रीस कर लेना है। अब हमें बैटर रेडी कर लेना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 कप बेसन यूज़ करूँगी। बेसन को मैंने छान लिया था पहले ही। अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, साथ में शुगर और टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर लूँगी। अब इसमें हमें पानी ऐड करके इसका एक बैटर रेडी कर लेना है। बैटर को हमें ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा थिन रखना है। पानी को हमें एक बार में पूरा नहीं डालना। इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना होगा। इसमें तकरीबन 1 कप जितना पानी जाएगा। अब इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए साइड में रख देना है। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें एक इनो का पाउच ऐड कर लूँगी। ग्राम में ये 5 ग्राम है। इनो डाल के आपको इसे तुरंत ही इसे मिक्स करना है और जितनी जल्दी हो सके इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है। मैं प्रॉपर मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ वहाँ से चेक कर ले। अब इसे हमें इस तरह से टैप टैप कर लेना है और इसे हमें प्रीहीटेड कढ़ाई में प्रेस कर लेना है। मोल्ड को हमें प्रॉपर मिडल में सेट करना है। अब हमें लीड को कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाना है। जब तक ये कुक हो हमें टेम्पटिंग के लिए शुगर सिरप रेडी कर लेना है। तो इसके लिए मैं फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसके साथ मस्टर्ड सीड भी ऐड कर लूँगी। इसमें 4 से 5 ग्रीन चिलीज और करी लीव्स भी ऐड कर लूँगी। करी लीव्स और चिलीज को हमें तकरीबन 1 मिनट तक कुक होने देना है। जब तक ये कुक हो जाए इसमें हमें 3/4 कप पानी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करके हमें सॉल्ट और शुगर ऐड कर लेना है। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए हमें इसमें लेमन जूस और सम कोरिएंडर ऐड कर लेना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हमें साइड में रख देना है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, अब इसे हमें चेक कर लेना है। तो टेस्टर हमारा क्लीन है, तो यहाँ पे देखे खमन ढोकला हमारा परफेक्टली रेडी है। 5 से 10 मिनट ठंडा होने के बाद इसकी साइडों को हमें अलाइडा करना है। आप चाहो तो हाथों से करें या फिर नाइफ भी यूज़ कर सकते हो। अब इस पर हमें फ्लैट प्लेट रख के इसे टर्न कर लेना है। अब इसे हमें कट्स कर लेना है। मैं इसे स्क्वायर पीसेस में कट्स करूँगी। अब लास्टली हम टेम्पटिंग वाला हमारा जो शुगर सिरप बनाया था इसे पोर कर लेंगे। हमें इस तरह से पोर करना है कि सारे ढोकले को अच्छे से कवर करे और हर पीसीस में अच्छे से सिरप आ जाए। शुगर सिरप में हमने जो शुगर ऐड की थी उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। आधे से भी कम घंटे में हमारा खमन ढोकला बन के रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को याद से प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी वन। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।